महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत की पुष्टि पटना स्थित पीएमसीएच में डॉक्टरों ने की है। बताया जा रहा है कि वशिष्ठ नारायण सिंह पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उनके परिजन दोबारा उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने अस्पताल में लाते ही वशिष्ठ नारायण सिंह को ब्रेन डेड बताया। वशिष्ठ जी की मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया और कहा कि ये दुखद है। दुखद है, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने तो न सिर्फ अपना राम रोशन किया, बल्कि समाज का और बिहार के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और आज वो नहीं रहे हैं। हम सब दुखी हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि। राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि लंबित परीक्षाएं हर हाल में जून 2020 तक संपन्न कराएं, शैक्षणिक सत्र और परीक्षा कैलेंडर का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूजीसी के प्रावधान के अनुरूप शिक्षकों की रोज 5 घंटे और सप्ताह में 40 घंटे की उपस्थिति अनिवार्य रूप से कराएं। राज्यपाल ने बुधवार को राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक की और कई निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि परीक्षाएं कदाचार मुक्त होनी चाहिए, बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरणों का सफलतापूर्वक प्रयोग होना चाहिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नैक की मान्यता प्राप्त करने का पूरा ध्यान दे। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करने को भी लोक सेवा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTPS के दायरे में लाया गया है। इसके तहत अब ये दोनों प्रमाण पत्र आवेदन करने के अधिकतम 6 दिनों में मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 7 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने कहा कि RTPS में पहले से 61 सेवाओं को शामिल किया गया है। इसमें अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के निर्गत को शामिल किया गया है। बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाने में आग लग गई। थाने में आग लगने से महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत पुलिसकर्मियों का सामान जलकर खाक हो गया। थाने में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची। पटना का कोतवाली थाना तारामंडल के पास स्थित है। जानकारी के मुताबिक आग थाने के बैरक में लगी है। आग लगने से कोतवाली थाने का ऊपरी मंजिल जलकर खाक हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी। ये मामला शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। बीते 1 अक्टूबर को CBI और मामले में अलग अलग आरोपियों के वकीलों की अंतिम दलील देने की कार्रवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ बलात्कार करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने और यौन दुर्व्यवहार सहित विभिन्न गंभीर आरोप लगाए गए थे। CBI ने इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बनाया है। CBI का आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है वो ब्रजेश ठाकुर का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।